हेलो 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 ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। ग्रेट हेलो 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 अतुल सुरेश को याद दिला देना। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टू ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वी डन विद चैप्टर वन थ्री एंड फोर। चैप्टर टू जो है वो एक थोड़ा अलग चैप्टर है फ्रॉम योर न्यू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ कुछ चीजें ओल्ड सिलेबस से कॉमन भी है एंड कुछ चीजें उन्होंने वापस से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस में इंक्लूड किया है। मतलब ओल्ड सिलेबस से भी ओल्ड जो सिलेबस था तब ये चैप्टर नंबर वन हुआ करता था फॉर लॉट ऑफ इयर्स। फिर उन्होंने उसको बीसीके में इंक्लूड किया। अब उस चैप्टर के बहुत सारे एलिमेंट्स को वापस से इंटरमीडिएट के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया है। चैप्टर टू थोड़ा ट्रिकी होगा। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हमने फोकस करना है, पहले आपको बताता हूं प्रायोरिटी वाइज कहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। चैप्टर टू में अब ये मत सोचिएगा कि पहली बार आपके नए सिलेबस में वो बीसीके वाला चैप्टर टू आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को थोड़ा उल्टा लगता है। इस चैप्टर में ऐसा मान के चलिए ऑल्दो इन न्यू सिलेबस कुछ चीजें नई दिखेगी बट वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे फाउंडेशन में टेस्ट की जा चुकी होगी। तो जैसे मेंडलोज मैट्रिक्स चैप्टर थ्री में बहुत इंपॉर्टेंट था, चैप्टर फाइव के अंदर आपको मैं ऐसे परफॉर्मेंस मेजर्स के मल्टीपल तरीके बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वैसे चैप्टर नंबर टू नहीं है। चैप्टर नंबर टू को अज्यूम कीजिएगा इट्स अ नॉर्मल चैप्टर जहां पर नया सिलेबस ओल्ड सिलेबस का ऊपर नीचे जंबलिंग है बट एग्जाम की प्रायोरिटी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीजें फाउंडेशन में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है एट अ बीसी के लेवल। लाइक पेस्टल एनालिसिस क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, प्लस बहुत सारा कॉन्सेप्ट ओल्ड सिलेबस से एज इट इज ही कॉपी पेस्ट भी किया है यहां पे। तो मान के चलिए सब कुछ सेम है, या तो वो पहले फाउंडेशन में था और कुछ इंटर में था, उन दोनों को मर्जिंग करके इस बार चैप्टर नंबर टू बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू माइकल पोर्टर का एक फाइव फोर्स मॉडल है। कौन सा मॉडल है? फाइव फोर्स मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल। वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के लिए। पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अराउंड ही है, वो जरूर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। एंड उसके बाद में आपको मैं बाकी चीजें रफली बताते जाऊंगा। पहले ब्रॉडर डिस्कशन आज का टारगेट रहेगा माइकल पोर्टर का फाइव फोर्स मॉडल एंड टाइम मिलेगा तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। आइए चैप्टर नंबर टू में इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर टू पॉइंट 22 माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल। आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस फर्स्ट, शायद आपको समझेगा। देखिए माइकल पोर्टर ने क्या बोला, अगर ऑलरेडी मैं किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं या मैं एक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता हूं तो मैं उस इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव प्रेशर को समझ करके एनालाइज करना चाहूंगा। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल बना के दिया है दैट इज कॉल्ड एज फाइव फोर्स मॉडल और दूसरे शब्दों में नाम है उसका कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस। क्या नाम हो सकता है? कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस। एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसा है उसको एनालाइज किया जाएगा। अतुल अतुल कॉम्पिटिटिव प्रेशर को एनालाइज किया जाएगा एंड द मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइव फोर्स
फोर्स मॉडल. नाउ व्हाट इज दिस फाइव फोर्स कॉन्सेप्ट, पांच इंपॉर्टेंट फोर्सेस क्या हैं? पहले आपको उनका ओवरव्यू देते हैं, पहले पूरा एकदम एक मॉडल समझ में आ जाए, फिर एग्जाम के हिसाब से डिस्कशन करेंगे. मास्टर बड़ा गले पे इफेक्ट आ रहा है हल्का सा. पांच फोर्सेस के नाम क्या क्या है? ये लोग बोलते हैं एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर को समझने के लिए पांच चीजों को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करना जरूरी होता है. सबसे पहला राइवल सेलर्स. आज की तारीख में कौन कौन से राइवल प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वो राइवल सेलर्स को ढूंढना बहुत जरूरी है एंड उनको एनालाइज करना जरूरी है. जैसे कि हम खुद पे स्वॉट एनालिसिस लगाते हैं, वैसे राइवल सेलर्स पे क्या लगाइए, स्वॉट एनालिसिस लगाइए. नंबर वन. दूसरा फैक्टर ये लोग बोलते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट्स, मतलब जो प्रोडक्ट आप बना करके बेचते हो सेम यूटिलिटी कोई और प्रोडक्ट भी ऑफर करता है क्या. बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉर्मली माई हिडन कॉम्पिटिटर्स, दे आर माई हिडन कॉम्पिटिटर्स. हो सकता है वो सब्स्टिट्यूट्स धीरे धीरे इतने पावरफुल हो जाए कि आज वो सब्स्टिट्यूट होंगे आपका प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट होगा, बट मे बी इन फ्यू ईयर्स दे मे बिकम द कोर प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट मे बिकम द सब्स्टिट्यूट. इसीलिए सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है, वो कितने पावरफुल हैं, वो ऑलरेडी कितना मार्केट शेयर खाने का कैपेबिलिटी रखते हैं, वो सब्स्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई करके समझना जरूरी है. सबसे पहले राइवल सेलर्स को आइडेंटिफाई करके समझिए, दूसरा सब्स्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई करके एनालाइज कीजिए, तीसरा इस इंडस्ट्री में कितना थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का, इस इंडस्ट्री में कितना थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का, मतलब कितना आसानी से न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर एंड वो लोग इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. न्यू एंट्रेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, एक न्यू एंट्रेंट के पास मार्केट शेयर जीरो है, वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए जाएगा, वो बोलेगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आया तो फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट शेयर इज इंपॉर्टेंट. मार्केट शेयर आने के बाद धीरे धीरे क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगा. सो दे मे स्टार्ट अ प्राइस वॉर. सो न्यू एंट्रेंट्स कितना इजिली एंटर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, ये चीज समझिए एंड उनका कितना इंपैक्ट कंपटीशन पे आ सकता है वो समझना पड़ेगा. हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री के कंपटीशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए राइवल सेलर्स को ढूंढो, उन्हें एनालाइज करो, सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है अवेलेबल, उनका कितना इफेक्ट आ सकता है उसे एनालाइज करो, कितने आसानी से न्यू एंट्रेंट इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, क्या कोई बैरियर टू एंट्री है या नहीं है, अगर बैरियर टू एंट्री नहीं है तो न्यू एंट्रेंट आसानी से इंडस्ट्री में आएगा, कैन दे एक्सप्लॉइट द एंटायर इंडस्ट्री, क्या वो ऐसा होगा डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो इंबैलेंस में हो जाएगा, डिमांड रिमेन सेम न्यू एंट्रेंट की वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसिंग कम हो जाएगा, प्राइसिंग कम हो जाएगा तो मार्जिन खत्म हो जाएंगे इंडस्ट्री के, इसीलिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को समझना बहुत जरूरी है. फिर आता है दो चीज, एक होता है बायर्स बार्गेनिंग पावर एंड एक होता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. पहले बायर्स बार्गेनिंग पावर, ये जो इंडस्ट्री का मॉडल है ये B2B मॉडल है कि B2C मॉडल है, क्या आपके बायर्स ऐसा है क्या, बहुत कम है बट दे बाय इन बल्क क्वांटिटी. B2B में हो सकता है आप दूसरे बिजनेसेस को प्रोडक्ट बेचते होंगे जो बहुत बड़ा क्वांटिटी में बाइंग करते होंगे, जिस वजह से उनका बार्गेनिंग पावर आप पे बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो बहुत क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं तो क्वांटिटी में डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, प्लस आपका उन पर डिपेंडेंसी है, तो बायर का बार्गेनिंग पावर कितना है इंडस्ट्री में वो समझना पड़ेगा. अगर ये B2C मॉडल है पर कस्टमर्स का नंबर बहुत बड़ा है और आपको लगता है कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे हैं तो भी कस्टमर का बार्गेनिंग पावर अच्छा हो सकता है, तो बायर का बार्गेनिंग पावर समझना चाहिए. फिर आता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. अब ये बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से, पूरा मॉडल कैसे बनाया है मैन्युफैक्चरिंग, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, लेट्स से मैं रॉ मटेरियल के लिए किसी ना किसी सप्लायर पे डिपेंडेंट हूं, रॉ मटेरियल के लिए किसी ना किसी सप्लायर पे डिपेंडेंट हूं, ये सप्लायर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है क्या वो बहुत ही नीश क्वालिटी है, स्पेसिफिक क्वालिटी है, मतलब ये सेम रॉ मटेरियल कहीं और नहीं मिलेगा, तो कहना इसे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर मेरे पे बढ़ जाएगा, या जो क्वांटिटी ये सप्लायर प्रोवाइड करता है सेम क्वांटिटी शायद कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता है, आइडियल इन रियली बल्क क्वांटिटी ऐसा सप्लायर एक या दो ही है, तो उसका बार्गेनिंग पावर मेरे पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब सप्लायर को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है या
नहीं किया जा सकता है, उस पे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर डिपेंडेंट हो जाएगा। माइकल पोर्टर को लगता है ये पांचों फोर्सेस एक इंडस्ट्री के पूरे कॉम्पिटिटिव प्रेशर को इंपैक्ट करते हैं, इसीलिए पांचों फोर्सेस को इंडिविजुअली एनालाइज करके समझिए, फिर उनका कलेक्टिव इफेक्ट देखिए। पहले इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके एनालाइज कीजिए, फिर इनका कलेक्टिव इफेक्ट देखिए। क्या इनका कलेक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा आ सकता है कि मेरे को लगेगा बहुत एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन है इंडस्ट्री में, या प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत लो हो गए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो मतलब ये पूरा एनालिसिस के बाद में डिसीजन क्या लेना है, कॉम्पिटिशन कैसा है। कॉम्पिटिशन बहुत कट थ्रोट है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, इससे मैं डिसीजन लूंगा शुड आई कंटिन्यू विद द इंडस्ट्री, शुड आई पुट मोर मनी इन द इंडस्ट्री, शुड आई एग्जिट द इंडस्ट्री। ये डिसीजन के लिए माइकल पोर्टर ने मॉडल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज फाइव फोर्स मॉडल। पहले पता होना चाहिए इस मॉडल का दूसरा नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल। पहला चीज, दिस इज गिवन बाय माइकल पोर्टर, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फाइव फोर्स मॉडल, ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल। इस पॉइंट नंबर वन क्लियर टू यू। दूसरा, पांच फोर्सेस क्या क्या हैं उनको हम फिर से डिस्कस करते हैं, फिर इन पे इंडिविजुअल डिस्कशन किया जाएगा। आइए इन योर मॉड्यूल्स 2.22 माइकल पोर्टर का फाइव फोर्स मॉडल। आर यू देयर? सबसे पहले, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव प्रेशर एनालिसिस मॉडल। यहां पर आइए सीधा पॉइंट नंबर फोर के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। सर, दिस मॉडल होल्ड्स दैट द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री इज अ कॉम्पोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑपरेटिंग इन फाइव एरियाज। मतलब एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट कैसा है, इसका इंपैक्ट ना इन पांचों के कंबाइंड इफेक्ट से आता है। मतलब ये पांचों फैक्टर एज अ कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री के पूरे कॉम्पिटिटिव प्रेशर को इंपैक्ट करते हैं। सर, इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन अच्छा है कि बुरा है, पांच तरीकों से पता चलेगा। नंबर वन, राइवलरी कैसा है। नंबर टू, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है कि नहीं है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसा है। बायर का बार्गेनिंग पावर क्या है। सप्लाई, मतलब ये सब के सब कलेक्टिवली मिलके किसको इंपैक्ट करते हैं, एक इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव प्रेशर को। पढ़िए, दिस मॉडल होल्ड्स दैट, ये मॉडल क्या बोलता है, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री इज अ, मार्क द वर्ड, कॉम्पोजिट। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये सब का कंबाइंड इफेक्ट एक इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन है, कैसा कॉम्पिटिशन है, उसे इफेक्ट करेगा। कॉम्पोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो एसोसिएटेड है किसके अंदर, पांच एरियाज के अंदर। क्या क्या पांच एरियाज है, ए बी सी डी ई में पहले कीवर्ड्स को ढूंढिए। पहले वाले में है राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री। ए में कीवर्ड मार्क कीजिए, राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री। दूसरे में मार्क कीजिएगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थर्ड में मार्क कीजिएगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। फोर्थ में मार्क कीजिएगा सप्लायर बार्गेनिंग पावर। एंड फिफ्थ में मार्क कीजिएगा बायर्स बार्गेनिंग पावर। These are the five forces जो collectively एक industry के competitive pressure को, environment को impact करेंगे। देखिए, सारे sentences का starting point क्या है, हर factor से कोई ना कोई competitive pressure आएगा। मतलब पहला चीज, competitive pressure associated with what sir, rival sellers। मतलब आज इस इंडस्ट्री में जितने भी राइवल प्लेयर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें मार्केट शेयर ज्यादा मिले, जिससे उनका मार्केट में प्रेजेंस बना रहे। व्हाट एवर स्ट्रेटजीज योर राइवल सेलर्स आर टेकिंग, उससे पता चलता है इस इंडस्ट्री में प्राइस वॉर चल रहा है या इस इंडस्ट्री में काफी शांति है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेंट कंपनी जो है उनके एडवर्टाइजमेंट देखा गया, सबसे सस्ता पेंट ये है। आप नोटिस करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट में कभी ऐसा बात ही नहीं करेगा प्राइसिंग के बारे में, बिकॉज दैट एंटायर इंडस्ट्री इज स्टेबल। दे बिलीव एज अ कंट्री अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डिमांड मेंटेन रहेगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स लिमिटेड है, तो हम लोग यहां पर क्वालिटी, फीचर्स,
वो बेचने का ट्राई करेंगे, ना कि एनीथिंग एल्स. सो सर्टेन इंडस्ट्रीज के अंदर आप जब भी कोई एडवर्टिजमेंट देखते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आता है वो आपको क्या बेचने का ट्राई कर रहा है, मतलब उस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत प्राइस वॉर है या प्राइस वॉर बिल्कुल नहीं है. ये समझने के लिए उस इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स के एडवर्टिजमेंट को देखिए, उनके एडवर्टिजमेंट से समझ में आ जाएगा आर दे फोकसिंग ऑन द प्राइसिंग और आर दे ऑल फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. इफ दे ऑल आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, वी विल से यहां प्राइस वॉर इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दी इंडस्ट्री. इस पॉइंट नंबर एक लेट यू देखिए, ढंग से पढ़िएगा. कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ मार्केट मैन्यूवरिंग, मैन्यूवरिंग मतलब आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, एंड जॉकिंग फॉर मतलब आप क्या एफर्ट लगाते हैं किसके लिए, अल्टीमेटली हर राइवल सेलर क्या चाहेगा, बायर्स पैट्रोनेज मतलब बायर का लॉयल्टी. वो चाहता है बायर उनका प्रोडक्ट खरीदे, उसके लिए उसे बिजनेस को जैसे भी मैन्यूवर करना पड़ रहा है, मतलब हैंडल करना पड़ रहा है बिजनेस में, जो भी जॉकिंग मतलब स्ट्रेटेजिकली स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब चीजें किसके लिए की जा रही है, बायर्स पैट्रोनेज के लिए मतलब बायर के लॉयल्टी के लिए. मतलब सिंपल है, आज इंडस्ट्री में राइवल सेलर्स कैसे बिजनेस कर रहे हैं टू गेट अटेंशन ऑफ कस्टमर्स, दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम राइवल सेलर्स. मतलब इंडिविजुअली राइवल सेलर्स का स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझिए. इस पॉइंट नंबर एक लेट यू, लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, याद करने से पहले समझने का ट्राई करना वरना याद नहीं हो सकता है. शॉर्टकट लगाने का, कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ राइवल सेलर्स, कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएट, यू राइट, एंड फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज राइट, बट रिमेंबर वो सेंटेंस पूरा समझने के लिए आपको हर सेंटेंस का लॉजिक समझना पड़ेगा, वरना तो याद कर लो पांच फोर्सेस का नाम और आगे का सेंटेंस ऐड करना है कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ, और सेंटेंस लिख देना कोई दिक्कत नहीं होगा, योर आंसर विल बी राइट. इज दिस क्लियर टू यू. नंबर टू पढ़िए, कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ, कैन यू सी अ वर्ड, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. मतलब इस इंडस्ट्री में कितना आसानी से न्यू एंट्रेंट आ सकता है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कैन देर बी बैरियर्स टू एंट्री, कैन देर बी बैरियर्स टू एंट्री. इस पॉइंट नंबर बी को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इधर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ाएंगे आपको. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन, पढ़ाएंगे आपको. पॉइंट नंबर ए भी इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइवल सेलर्स, वो भी पढ़ाएंगे आपको. ए एंड बी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी डी ई टाइम पास के लिए. सी देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम द अटेम्प्ट्स ऑफ कंपनीज इन अदर इंडस्ट्रीज टू विन ओवर द बायर्स ओवर देयर ओन सब्स. मतलब सुनिए ना, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट है, वो सब्सिट्यूट ऑब्वियसली दूसरे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगा, वो इंडस्ट्री के प्लेयर आपके इंडस्ट्री का मार्केट कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के प्लेयर आपके इंडस्ट्री का मार्केट कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं. इट्स सिंपल यार, मार्बल इंडस्ट्री अलग है, टाइल का इंडस्ट्री अलग है, टाइल वाला मार्बल का कस्टमर कैप्चर करने का ट्राई करेगा. Are you understanding this? For example, wood का आपका इंडस्ट्री अलग है, पर आपको लगता है कि वुड के जगह भी मार्बल स्लैब यूज हो सकते हैं, या मार्बल स्लैब के जगह वुड नीचे लग सकता है विनियर के फॉर्म में. मतलब एक दूसरे का मार्केट शेयर कैप्चर करने का ट्राई किया जाएगा. दे आर सब्स्टिट्यूट्स अप टू सम एक्सटेंट. तो सब्स्टिट्यूट्स कितने पावरफुल है, क्या वो आपके कस्टमर्स को बहुत इजिली मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर थ्री सिंपल है, सबसे पहले राइवल सेलर्स कितना स्ट्रॉन्ग राइवलरी में है इंडस्ट्री में, दूसरा चीज कितना आसानी से न्यू एंट्रेंट आ सकता है, तीसरा सब्स्टिट्यूट है क्या, अगर हाँ तो क्या वो पावरफुल है कि आपको सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं. इस पॉइंट नंबर ए बी सी क्लियर टू यू. फोर्थ एंड फिफ्थ इजी है, व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ योर सप्लायर एंड व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ योर बायर. ये दोनों को भी हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. ये ओवरव्यू के लिए पांच फोर्सेस पता होने चाहिए, इनको इंडिविजुअली डिस्कस करके खत्म करें क्या. चलिए सबसे पहले आइए दो चीजों को मार्क करवाता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2.23 थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर 5 एंड 6, लिख दीजिए एसक्यू. 2.23 थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, 5 एंड 6 को मार्क कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन, पढ़ाएंगे आपको. फिर आगे आइए पेज नंबर 2.26 नेचर ऑफ राइवलरी, पॉइंट नंबर 5 को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, बाजू में लिख दीजिएगा एसक्यू. ये दो सबसे कॉमनली आस्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं माइकल पोर्टर के फाइव फोर्स मॉडल में. पहले इनको ही डिस्कस करते हैं, फिर बचे हुए तीन अलग अलग आपके फोर्सेस को डिस्कस करेंगे. आइए पहला वाला क्या बोलता है, व्हाट इज द
फर्स्ट फोर्स, हेडिंग क्या बोलो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 2.23। एक एक इंडिविजुअल फोर्स को आप डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले न्यू एंट्रेंट से एक इंडस्ट्री को डर क्यों लगता है? इंडस्ट्री को लगता है 5 एग्जिस्टिंग प्लेयर है, नए प्लेयर अगर बहुत आसानी से आएंगे वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए आएंगे। आज 5 का मिला के मार्केट शेयर 100% है, नए 2 प्लेयर आएंगे मतलब किसी ने किसी का मार्केट शेयर तो कम होगा, तब जाके बचे हुए जो नए 2 प्लेयर है वो मार्केट शेयर गेन करेंगे। एंड टू गेन द मार्केट शेयर दे विल स्टार्ट द प्राइस वॉर, दे विल स्टार्ट द प्राइस वॉर। इसीलिए ये 5 प्लेयर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो क्या चाहेंगे, देर शुड बी अ बैरियर टू एंट्री, देर शुड बी अ बैरियर टू एंट्री कि नया प्लेयर आसानी से एंट्री ना कर पाए, कि नया प्लेयर आसानी से। तो सर व्हाट कैन बी बैरियर्स टू एंट्री, ये एग्जांपल्स आपसे 5 मार्क के लिए सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। 2 लाइन को पढ़िएगा मेरे साथ में, पेज नंबर 2.23, रीड पॉइंट नंबर 1। न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नया प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट का सप्लाई इंक्रीज करेंगे, एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे शायद वो क्या कर देंगे, एग्जिस्टिंग जो सेटल्ड लोग रहेंगे उनके मार्केट शेयर के पोजीशन को खराब करना शुरू कर देंगे। द बिगर द न्यू एंट्रेंट मोर सिवियर विल बी द कॉम्पिटेटिव इफेक्ट। कैन आई से, सीधा सीधा बात है, नए एंट्रेंट की वजह से प्राइस वॉर शुरू हो सकता है, नया सप्लाई ऐड होगा तो ओवरऑल उस इंडस्ट्री का मार्जिन खराब हो जाएगा। इसीलिए हर सेटल्ड प्लेयर को डर होता है न्यू एंट्रेंट नहीं आना चाहिए। तो कैन आई से न्यू एंट्रेंट्स कैन बी अ थ्रेट टू माई ओवरऑल इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या लगा सकती है, कुछ बैरियर्स लगा सकती है। बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शन, कि न्यू एंट्री के लिए बैरियर लगा दिया मतलब नया एंट्रेंट इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं कर पाएगा। बैरियर्स टू एंट्री के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये एग्जांपल्स इंडिविजुअली सुनिएगा, बहुत लॉजिकल है, सुनेंगे समझेंगे आराम से एक सेंटेंस लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर सिंपल चीज, न्यू एंट्रेंट से डर क्या है, नया एंट्रेंट आएगा नया सप्लाई को ऐड करेगा, इफ डिमांड रिमेन सेम प्राइस विल कम डाउन, एंड सर दे में स्टार्ट अ प्राइस वॉर जिससे पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर क्या चाहते हैं, एक बैरियर लगाना कि नए एंट्रेंट आने ही नहीं चाहिए। ये बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं पॉइंट नंबर 6 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश सेटल्ड प्लेयर हो, न्यू एंट्रेंट्स ना आ पाए इसके लिए आप क्या बैरियर लगा सकते हो, वो एग्जाम में बैरियर्स ही पूछेगा, आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा बैरियर्स क्या क्या होते हैं। पहला बैरियर देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर सर बाय डिफॉल्ट आपके इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, 100 crore, 1000 crore, 10,000 crore, $1 billion, मतलब द कैपिटल रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज हाई, तो ऑब्वियसली एक तरीके से वो बाई डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, बैरियर टू एंट्री बन जाएगा, हर कोई एंटर कर ही नहीं सकता है। बट अब नेगेटिवली सोचो लाइफ के अंदर, देर इज नो अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज लेस टूडे बिकॉज देर आर सो मेनी बिलियनर्स। अब कोई भी किधर भी किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है ना, अगर आप वैसे सोचोगे तो 1 billion वैसे सोचोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट यू थिंक फ्रॉम बिलियनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज ऑलवेज अ बैरियर फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज, बट अब यह बोलना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज उल्टा हो गया है, जितना कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा उतने कम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, बट दे विल बिकम हाईली इंटरेस्टेड बिकॉज दे बिलीव हमारे अलावा कोई पैसा डाल नहीं सकता है, तो आसानी से मार्केट शेयर हम ही कैप्चर कर सकते हैं। तो कहना इसे कैपिटल रिक्वायरमेंट विल एक्ट एज अ बैरियर, इधर सही बोला है, ताकि हर कोई आसानी से एंटर ना कर पाए। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू। नंबर 2 उससे कनेक्टेड है, कैन यू सी वर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वॉल्यूम गेम। अब यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब काम करता है, जब आप बड़े वॉल्यूम में काम करते हो। तो आपको अगर पता है एक इंडस्ट्री में आज एयरटेल जियो ऑलरेडी वॉल्यूम पे काम कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब उनका कॉस्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस पर कस्टमर बहुत कम पे आ गया है। एक नया प्लेयर एंटर करेगा डे 1 पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि डे 1 पे उसका मार्केट शेयर ही नहीं रहेगा। तो कैन आई से अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑलरेडी काम करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे, नए प्लेयर के लिए एंटर करना एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना इज वेरी टफ। इट्स लाइक यूएस का AT&T को लगता है मैं इंडिया में आता हूं, बट उसको मार्केट शेयर कैप्चर करके 500 रुपए या 300 रुपए में सर्विस प्रोवाइड करना जो आज जियो एयरटेल कर रहा है बहुत चैलेंजिंग है डे 1 पे। दे आर यूज्ड टू ऑफ चार्जिंग $100 देयर,
देर यूज टू चार्जिंग 7-8,000 पर मंथ. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गुड प्लान जो बहुत इफेक्टिव वाले होंगे वो 40-50 डॉलर पे, दैट मीन स्टिल देर चार्जिंग यू 4,000 रुपीज. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वो सेम चीज को 500 में प्रोवाइड करना एट द सेम स्किल इन अ कंट्री इज वेरी चैलेंजिंग. वो तब पॉसिबल होगा जब वॉल्यूम आएगा. कैन आई से वॉल्यूम डे वन पे नहीं आएगा? बिकॉज यू आर अ न्यू प्लेयर. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी अ बैरियर. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास में है तो वो क्या बन सकता है? बैरियर टू एंट्री बन सकता है. थर्ड वाला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब सर ऐसा इंडस्ट्री है हर 6 महीने में प्रोडक्ट बदलते रहता है, कुछ ना कुछ नया फीचर आते रहता है. नए प्लेयर के लिए एंटर करना, इमीडिएटली प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना आसान काम नहीं होगा, बिकॉज यू नीड ग्रेट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट. नया प्लेयर आकर के डे वन पे डिफरेंशिएट कर पाए विद एवरी 6 months इज अ चैलेंजिंग टास्क. इट कैन बिकम अ बैरियर टू एंट्री. नंबर 4, स्विचिंग कॉस्ट. ये हर इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी लॉयल कस्टमर्स हैं, 3 players, एंड सबके कस्टमर्स लॉयल हैं, और सर सबका टेक्नोलॉजी अलग अलग है. तो जब एक कस्टमर दूसरे प्लेयर के पास जाएगा तो उसे टेक्नोलॉजी बदलना पड़ता है, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, जिस वजह से साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कॉस्ट आ जाता है. स्विचिंग कॉस्ट मतलब स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉइड टू एप्पल. There is a lot of psychological cost. You're not used to of a platform. You're not used to of a user interface. इस वजह से कभी कभी customer शायद आसानी से switch करना नहीं चाहेगा. वो psychological cost भी हो सकता है और actual financial cost भी हो सकता है. Next, brand identity. अगर strong brand loyalty exist करता है वो अपने आप एक barrier बन जाएगा. मतलब सर सिंपल है, अगर किसी कंट्री में ऑलरेडी कोई ब्रांड्स बहुत फेमस रहेंगे जिनके कोर कस्टमर से लॉयल कस्टमर बेस है, नए प्लेयर के लिए एंटर करके उन्हें खत्म करना बहुत चैलेंजिंग होगा, तो ये क्या बन जाएगा? बैरियर टू न्यू एंट्रेंट बन जाएगा. नेक्स्ट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सर FMCG प्रोडक्ट्स जो लोग कंज्यूम करते हैं ना, वो आज भी रिटेलर से खरीदते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना 4-5 प्लेयर के पास ही है. नए प्लेयर को अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट बना तो लेगा, कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा? अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं तो सेलिंग क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो कहना इसे हमें डर रहेगा, पतंजलि स्ट्रगल दिस, कि यार मैं नया प्रोडक्ट बना तो दूंगा पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं है, होलसेलर रिटेलर प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो लोअर लेवल तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे? आई अग्री सोशल मीडिया हेल्प्स यू टुडे टू रीच टू द कस्टमर्स, बट स्टिल आज भी बाइंग सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होता है. पीपल बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर सोशल मीडिया इज वेरी लेस. पीपल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू सोशल मीडिया इज हाई. एक होता है इन्फ्लुएंस, एक होता है प्रोडक्ट का बाइंग. अब अगर मैं इन्फ्लुएंस हूं कि मेरे को एक आयरन बॉक्स खरीदना चाहिए पर मेरे घर के पास मिलता ही नहीं, खरीदूंगा कैसे? Are you understanding? आप कन्विंस कर सकते हो यू शुड बाय दिस, बट इफ इट इज नॉट इजीली अवेलेबल टू मी, हाउ विल आई बाय इट? सो इफ आई कैनॉट गेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट कैन स्टिल बिकम अ बैरियर टू न्यू एंट्री. लास्ट वन, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर. मतलब इस इंडस्ट्री में एक दो बड़े प्लेयर एग्जिस्ट करते हैं, आपको डर क्या है? नया एंट्रेंट आएगा, प्राइस वॉर शुरू करेगा, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है वो रिटेलिएट करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, और वो अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, इतना अग्रेसिव कि न्यू एंट्रेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. न्यू एंट्रेंट क्या नहीं कर पाएगा? और ये एग्जिस्टिंग प्लेयर रिटेलिएट क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने पैसा कमाया हुआ ऑलरेडी, उसका बैलेंस शीट में ऑलरेडी पैसा रहेगा, तो शायद वो रिएक्ट अपने हिसाब से चाहे जैसे कर सकता है. तो शायद उस केस में न्यू एंट्रेंट को एक डर रहेगा कि एग्जिस्टिंग प्लेयर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, इफ आई एंटर वो रेस्पॉन्ड अगर करेगा तो शायद मेरे लिए मार्केट कैप्चर करना क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड बैरियर टू एंट्री? 2 मिनट स्पेंड कीजिए, जो बोलता हूं वो पॉइंट्स को रीड कीजिएगा. पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, नंबर 5 पढ़िए, एंड 6 में जो लिस्ट दी है वो देखिए. आपको चाहिए तो एक दो सैंपल के लिए डिस्कस भी कर लूंगा, बट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वैसा ही कंटेंट लिखा हुआ है. रीड करेंगे तो एक लॉजिकल सेंटेंस आप लिख पाएंगे, बट अभी के लिए 1, 5 एंड 6 इतना पढ़िए.
यू वॉन्ट टू रीड वन और टू एग्जाम्पल्स, आइए पेज नंबर 2.24 कैपिटल रिक्वायरमेंट. एक आध सेंटेंस पढ़ाता हूं जस्ट टू टेल यू दैट इफ यू अंडरस्टैंड देम राइटिंग वन सेंटेंस इज वेरी सिंपल. देखो, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन एन इंडस्ट्री, जिन फर्म के पास फंड्स की कमी रहेगी वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या दे विल बी बार्ड फ्रॉम अ इंडस्ट्री, मतलब वो एंटर भी नहीं कर पाएंगे. इसीलिए ओवरऑल फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि नया प्लेयर आसानी से एंटर नहीं कर सकता है. सिंपल है क्या नहीं है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रीड पॉइंट नंबर बी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, मीनिंग लिखा हुआ है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है, आपने सुना होगा ना फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होते रहता है जब आपका क्वांटिटी बढ़ता है अप टू अ सर्टेन लेवल. तो पॉइंट नंबर बी देखो, अगर एक लार्ज फर्म ऑलरेडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अज्यूम कर रहा है तो सर इससे एक इनडायरेक्टली न्यू एंट्रेंट के लिए क्या होगा, डिस्करेजमेंट होगा. उसे डर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं, हमें एंटर करके मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना पड़ेगा, तब हम कंपीट कर पाएंगे. तो शायद एक तरीके से वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करेगा टू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नंबर थ्री एक और पढ़ लो चलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता रहे हैं. फिर देखो, डिफरेंशिएशन वर्क्स टू री इन्फोर्स एंट्री बैरियर बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस इज वेरी हाई फॉर न्यू एंट्रेंट, प्लस इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, डिफरेंशिएशन इज नॉट ईजी. डिफरेंशिएट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर कस्टमर वॉन्ट्स इज एसेंशियल. अगर कस्टमर को क्या नया लगेगा, क्या नया एक्सपेक्टेशन है वो ही नहीं पता, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है. फॉर दैट यू शुड हैव अ हिस्ट्री विद द कस्टमर, यू शुड अंडरस्टैंड द लेगेसी, हाउ द कस्टमर्स हैव बीन चेंजिंग देयर प्रेफरेंसेस फॉर लास्ट 5-10 years, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. इसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा, पैसा लगेगा, प्रेजेंस लगेगा, जो शायद अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा न्यू एंट्रेंट के लिए. वो हर एक सेंटेंस के आगे पहले मीनिंग लिखेगा और बोलेगा कैसे ये मुश्किल हो सकता है एक न्यू एंट्रेंट के लिए. समझा क्या? विल यू बी एबल टू रीड ऑन योर ओन एंड राइट द आंसर वाइजली? क्वेश्चन क्या पूछेगा? न्यू एंट्रेंट्स की वजह से एक इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाता है, इसीलिए हम चाहते हैं एक बैरियर लगाना. क्या लगाना? बैरियर. व्हाट आर द पॉसिबल बैरियर्स? वो बैरियर्स के आपको पॉइंट लिखने के लिए बोलेगा. बट ट्रस्ट मी, ये लिखने से पहले पॉइंट नंबर वन जरूर लिखना, न्यू एंट्रेंट्स ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करते हैं. कैसे? वो ऑब्वियसली मार्केट शेयर गेन करने के लिए आएंगे, नया प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा एंड ओवरऑल प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा. प्राइस कम होगा तो मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा. इसके लिए बैरियर्स टू एंट्री लगाने का ट्राई किया जाएगा, जिनके एग्जाम्पल्स है फॉलोइंग 1, 2, 3, 4, 5. एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट लिखने आने चाहिए. समझा क्या? दिस इज कॉल्ड एज threats of new entrance. Are you comfortable with this? Second part pe aaiye, jo exam ke liye important hai. Nature of rivalry in the industry 2.26. yahan pe ek acha cheez hai, heading ke bajaye, heading hi apne aap ek sentence hai. Ye sare sentences agar aapko yaad rahe, logically samajh mein aaye, your job will be done. 2.26 pe aaiye, read the heading, nature of rivalry. 5 forces mein se न्यू एंट्रेंट एक फैक्टर डिस्कस किया, अब दूसरा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, राइवल सेलर्स. सिंपल सा बात है, एक इंडस्ट्री में राइवलरी कैसा है वो उस पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है. अगर बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो कभी प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, प्राइस बढ़ेगा नहीं तो मार्जिन इंप्रूव होंगे नहीं. अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा तो प्राइस वॉर कभी होगा नहीं, प्राइस वॉर नहीं होगा तो मार्जिन और इंप्रूव होते जाएंगे. एंड कैन आई से, एक अच्छा ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर एनवायरमेंट बिल्ट रहेगा फॉर द कॉम्पिटिटर्स. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलेगा, जितना ज्यादा इंटेंसिव राइवलरी होता है उतना ज्यादा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है. तो ऐसे कौन से सिनेरियोस हैं जब आपको लगता है इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगा एंड इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्लैग है. अगर ऐसा हो रहा है ना तो उस इंडस्ट्री में रहकर फायदा नहीं है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में पैसा कमाना सबके लिए क्या होने वाला है, मुश्किल होने वाला है. पढ़िए एक दो सेंटेंसेस मेरे साथ में. रीड पॉइंट नंबर वन, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज क्वाइट ऑब्वियस, होने वाला है मतलब, सो देयर इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन. सर राइवलरी का इंपैक्ट क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इज अ सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट कि ये इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा एंड इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस. सिंपल है यार, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब होती है? जब ग्रोथ दिखता है और पैसा दिखता है.
आपको पैसा भी दिख रहा है, मार्जिन भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, तो आपको इंडस्ट्री अच्छा लगेगा ना यार। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखता है पर शॉर्ट टर्म में पैसा दिखता है तो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ग्रोथ दिखता है बट प्रॉफिटेबिलिटी दिखता ही नहीं है तब भी आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आई शुड सी गुड ग्रोथ पोटेंशियल, आई शुड सी गुड प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो इंडस्ट्री मेरे लिए क्या कहलाएगी? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी। वो किससे इंपैक्टेड होती है? इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी से। किससे इंपैक्टेड होती है? इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। रीड वन एंड थ्री, रीड वन एंड थ्री, मीनिंग समझा क्या? तो वन थ्री एज ए इंट्रोडक्शन लिखने का, फाइव आपके क्वेश्चन में ही होगा, एग्जाम में खुद ऐसे बोलेगा, द मोर इंटेंसिव द राइवलरी लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो। मतलब कब राइवलरी बहुत ज्यादा होता है, कब इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत खराब होता है, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। वो एग्जाम्पल्स का लिस्ट बना के दिया है। एग्जाम में सेम सेंटेंस आएगा और वेन के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। वापस से पढ़ो सेंटेंस, 2:30 बजे का समय, आई अंडरस्टैंड तुम्हारा अलग ही राइवलरी चल रहा है आईसीए के साथ में। एसएम का लैंग्वेज पढ़ के लॉजिकल तो लगता है कि नहीं लगता है? द बेस्ट पार्ट एंड द बैड पार्ट बोथ। द बेस्ट पार्ट इज यू अंडरस्टैंड, दिस इज सेंसिबल, बैड हाउ डू आई राइट इट? सो दैट्स व्हाई सी, देखो आपको सिंपल बात बोलता हूं, जो बात होता है ना कॉन्सेप्ट याद रखने का, याद रखने का। मेरे को ऐसा लगता है आप कितनी भी शॉर्टकट लगा लो, कितने भी तरीके लगा लो, अगर समझा नहीं है ना तो याद नहीं रह सकता है। कि तुम रात को सोएगा ना, सुबह तक भूल जाएगा पक्का। द ओनली प्रोबेबिलिटी इज कि तूने 4 घंटे में इतना मस्त याद किया और इमीडिएटली एग्जाम में लिखने गए तो शायद तेरे को याद रह जाए। अदरवाइज एटलीस्ट दिस इज वॉट माई एक्सपीरियंस इज, आई मे बी रॉन्ग, आई एम जस्ट वन ह्यूमन बींग एंड आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर, रिमेंबरिंग इज डेफिनेटली इम्पॉसिबल। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज देयर एंड इफ यू पुट इन डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट, यू कैन रिमेंबर एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो वॉट टू रिमेंबर। मैं आपको हर सा, आप नोटिस कर रहे हो क्या, मैं सारा पॉइंट तो पढ़ाता ही नहीं हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये पॉइंट देखना है क्योंकि मुझे पता है उतना ही लिखना है तो उतना ही याद करना है। अगली बार मतलब जब पढ़ रहे हो, सब पढ़ना ही नहीं है, फर्स्ट रीडिंग के लिए सब इंपॉर्टेंट होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद द एंटायर अप्रोच शुड बी, आईसीए मेरे को 5 फोर्स के बारे में क्या पूछने वाला है? वो मेरे को 2 जगह पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला बोलेगा बैरियर टू एंट्री के एग्जांपल लिख के दो, मेरे को पता होना चाहिए, उनका मीनिंग आना चाहिए, एक सेंटेंस लिखने आना चाहिए, आधा तो मेरा एग्जामिनर कन्विंस हो जाएगा हेडिंग देख करके। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इट्स अ गेम, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस दैट पर्सन दैट प्लीज आई डिजर्व, तू मेरे को मार्क्स दे, मेरे को आगे जाने दे, यू नो इट्स योर आंसर कम्युनिकेटिंग टू द एग्जामिनर। डू यू गेट माय पॉइंट? सो यू शुड नो व्हाट विल कन्विंस द एग्जामिनर। एंड आपके दिमाग को एक बात बोलो, ये अगर बोलोगे ना बार बार कि मैं कैसे याद करूंगा तो कभी याद ही नहीं होगा। तुम अपने दिमाग को बोलो मेरे को पता है कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, and if I can read that multiple times your brain will eventually capture it, and also play with your brain about probability. Not everything will get asked in every exam. Will they ask you the all questions? Michael Porter pe question hi nahi aaya, to ho sakta hai na, it's possible. To tu kyun stress le raha hai? Matlab it's also like if you think nahi maine jo jo choda wo sab aayega, itna bura nahi expect karke jana chahiye. It can happen. See, I understand that. अभी देखो उसमें भी गलत मत समझना, आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, बट अगर चलो ऐसा भी होता है, ऐसे नहीं बोला क्या कि आपको एक ही बार में खत्म करना चाहिए? क्या आपने अटेम्प्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया क्या? आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मैं नहीं बोलना चाहता, बट सोचिए ना वापस से, इफ यू वॉन्ट टू लुक एट द पॉजिटिव साइड बट यू डोंट वॉन्ट टू देर, इट्स योर चॉइस। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक लाइक दिस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से देर इज इफ एंड बट एंड द प्रोबेबिलिटी इन एवरी सिनेरियो। एंड आप जितना ज्यादा टाइम याद करने में इन्वेस्ट करेंगे उसके बजाय मैं बोलूंगा पहले समझने में इन्वेस्ट कर लो, फिर पता कर लो कि मेरे को इधर यही चीज पढ़ना है, फिर उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, तो उसका आउटकम बढ़िया आएगा। अदरवाइज योर ब्रेन हैज अ कैपेबिलिटी टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल योर ब्रेन टू रिमेंबर एवरीथिंग
एंड उस एवरीथिंग में मैं 70-80% चीजें रेलेवेंट ही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो ब्रेन कैप्चर कर पा रहा है और जो आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है वहां गया पा रहा है। बस आप थोड़ा उसे कम करने का ट्राई करो। आई अंडरस्टैंड 2:30 बजे के टाइम पे ऐसी लॉजिकल बातें नहीं करनी चाहिए सर, चुपचाप 5 मिनट बताओ हमको आगे। चलो पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ सर। एक इंडस्ट्री में राइवलरी बहुत स्ट्रांग होगा एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। जनरली ऐसा कब होगा? जब एक इंडस्ट्री में कोई एक लीडर विजिबली नहीं है। इफ देयर इज नो वन लीडर इन द इंडस्ट्री, एवरीवन वुड वांट टू बी अ लीडर, एंड इफ एवरीवन वुड वांट टू बी अ लीडर, दे विल हैव अ प्राइस वॉर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। कैन आई से व्हेन देयर इज अ लीडर देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ द लीडर। तो इनडायरेक्टली एक लीडर होना इंडस्ट्री में अच्छा होता है, इंडस्ट्री कंट्रोल में रहता है। अगर इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है तो 100% देयर विल बी अ एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। रीड नंबर ए, इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, देयर फॉर देयर इज अ कंटिन्यूअस वॉर फॉर कॉस्ट लीडरशिप। नहीं बोला है, वॉर फॉर लीडरशिप मतलब मार्केट शेयर गेन करने के लिए वॉर चलते रहेगा, मतलब प्राइस वॉर चलते रहेगा। भले ही आपका कॉस्ट 100 रुपए है, आप फिर भी 90 में बेचते जाओगे बिकॉज आपको लगता है मार्केट शेयर कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। वंस यू कैप्चर द मार्केट शेयर, सेम चीज ना। कभी सोचा आपने व्हाई ओला उबर वर बर्निंग मनी इन इंडिया? दे वर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू अ सर्विस बिलो द ऑटो वाला भैया कॉस्ट। बराबर है कि नहीं? वाई वर दे बर्निंग मनी? प्योरली फॉर मार्केट शेयर। वाई जोमैटो वॉज डिलीवरिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट? इट इज दे विल डेफिनेटली हैव अ कॉस्ट, वो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? उनके लिए तो पॉकेट से कुछ ना कुछ कॉस्ट जा ही रहा होगा। नॉट टूडे, आई एम टॉकिंग अबाउट पहले। अब तो उनके कमीशन चार्जेस एड हो गए, पहले तो नहीं थे। कैन आई सी दे वर ऑल ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट शेयर? उन्हें सिंपल गेम लग रहा था, अगर मार्केट शेयर गेन कर लिया, लोगों का हैबिट बिल्ड कर दिया और उनको एक बार आदत बन गया, दे हैव अ देयर हैबिचुअल ऑफ अ प्रोसेस, पीपल विल नॉट लीव द प्रोसेस। फिर लोग उस प्रोसेस को यूज करते जाएंगे एंड हम कंसिस्टेंटली इन लोगों से पैसा कमाते जाएंगे। इट्स अ वॉल्यूम गेम, इट्स अ वॉल्यूम गेम। फॉर दैट यू नीड वॉल्यूम, फॉर दैट यू नीड टू बी द लीडर, यू शुड हैव द मार्केट शेयर। इस पॉइंट नंबर ए क्लियर टू यू। नंबर बी सर, एक इंडस्ट्री में सबसे बुरा प्रॉब्लम होता है अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, न्यूमरस मतलब ह्यूज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ये वो इंडस्ट्री के लिए बहुत नेगेटिव है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं एक इंडस्ट्री में तो उसका मतलब है उस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब कुछ कुछ ने दूसरे को खरीदना चाहिए, खत्म करना चाहिए, 10 प्लेयर से 4-5 प्लेयर पे आना चाहिए। जब तक वो 4-5 प्लेयर पे नहीं आएगा, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं बनेगा, प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा, हर कोई लड़ाई करते रहेगा। इस ए एंड बी सिमिलर टू इच अदर, लॉजिकल लगता है। पॉइंट नंबर सी इज अ रियल चैलेंजिंग वन फॉर सम इंडस्ट्रीज, इफ कॉम्पिटिटर्स आर ऑपरेटिंग मार्क द वर्ड एट हाई फिक्स कॉस्ट। सर ये धंधे को करने का फिक्स कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, इस बिजनेस को करने का फिक्स कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। उस वजह से क्या होगा? वो यार ट्राई करेगा कि कैसे भी करके मार्केट से गेन होना चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा कॉस्ट रिकवर करने के लिए इतना वॉल्यूम लगेगा ही कि मैं मेरा कॉस्ट को रिकवर कर पाऊं। आई वुड वांट टू स्प्रेड माय ओवरऑल कॉस्ट टू मोर क्वांटिटी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट अगर सेम रहेगा, जब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्राइस पर यूनिट कम नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो बिकॉज ऑफ विच उस इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन क्या रहेगा? फियर्स रहेगा। दे वुड वॉन्ट टू कैप्चर एज मच वॉल्यूम एज पॉसिबल। नेक्स्ट सबसे बुरा चीज है, अगर यहां पे हाई एग्जिट बैरियर्स है। मतलब सर, समवन वांट्स टू एग्जिट बट कांट एग्जिट, समवन वांट्स टू एग्जिट बट कांट एग्जिट। मतलब सर, इस इंडस्ट्री में धंधा चालू करना पॉसिबल है, एग्जिट करना मुश्किल है। आइडिया वोडाफोन, इफ दे वांट टू एग्जिट ऑल्सो नो वन विल बाय देयर बिजनेस, सीसीआई अप्रूवल नहीं देगा, एसेट्स को बेचने के लिए जाऊंगा खरीदेगा नहीं आइडियली। तो कैन आई से यू आर फोर्स टू रन द बिजनेस? When you're forced to run the business, तो क्या बोलोगा? ब्रेक इवन में चलते रहना चाहिए, इससे पैसा तो कमा नहीं सकते, कम से कम कुछ भी हो नया पैसा नहीं लगना चाहिए, कॉस्ट पे काम करते रहेंगे। Can I say you're forced to continue the business? इससे क्या होगा? सप्लाई पे पुश रहेगा और डिमांड अगर सेम रहेगा तो प्राइस बढ़ ही नहीं सकता है यार। प्राइस बढ़ाने के लिए सप्लाई कम होना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए, तब जाके प्राइस पर यूनिट क्या होगा? बढ़ेगा। पर वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां पे एग्जिट बैरियर है, कोई चाहकर के भी इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने का अगर ऑप्शन ही नहीं है, सबको मालूम है कॉस्ट लीडरशिप इज एवरीथिंग एंड हर कोई कॉस्ट लीडरशिप के लिए जाएगा, तो क्या होगा?
हर कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेगा, इससे क्या होगा, प्राइस पर यूनिट कभी बढ़ी नहीं पाएगा, प्राइस पर यूनिट नहीं बढ़ेगा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कभी इंक्रीज ही नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन बिलीव्स यही धंधा करना पड़ेगा, यही प्रोडक्ट बना के बेचना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का स्कोप ही नहीं है। एंड सर अगर आपको लगता है इंडस्ट्री में ग्रोथ ही नहीं है, तो सर सेम क्वांटिटी के लिए सेम प्लेयर्स हमेशा रहेंगे, नो मेजर एडिशन टू द डिमांड, सप्लाई विल रिमेन सेम, प्राइसिंग विल रिमेन सेम, स्लोली स्लोली प्राइसिंग विल ऑल्सो कम डाउन एंड इवेंचुअली आपके मार्जिन्स और कम होते जाएंगे। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि आपके इंडस्ट्री में राइवलरी बहुत इंटेंसिव होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, लो रहेगा। इस वजह से पूरा इंडस्ट्री क्या बन जाएगा, अनअट्रैक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनअट्रैक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन देगा, यू आर मिस्टर ए, You want to enter into an industry. आपको लगता है ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है, क्यों नहीं लगता है, और आपको क्यों लगता है यहाँ राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनरली क्या फैक्टर्स बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री इज लेस अट्रैक्टिव एंड द राइवलरी इज स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, मतलब इनमें से कोई भी चार पांच पॉइंट लिखना पड़ेगा। स्पेंड टू मिनट्स, रीड वन थ्री एंड फाइव। ऑब्वियसली फाइव के अंदर सेंटेंसेज अपने आप में मोर लॉजिकल है। डन। देखो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी तीन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू देके क्लोज करेंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, माइकल पोर्टर का फाइव फोर्स मॉडल। पांच फोर्सेस क्या क्या थे, सबसे पहला राइवल सेलर्स, दूसरा वाला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो डिस्कस हो गया, अब क्या बचता है, सब्स्टिट्यूट्स, बायर्स बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। इनके अराउंड बायर्स एंड सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर भी भले ही आ सकते हैं। पेज नंबर 2.25, बायर्स बार्गेनिंग पावर, मार्क पॉइंट नंबर 4। Buyer of an industry can sometime exert strong pressure on the existing firm. और buyer क्या try करेगा, better service, low cost. Buyer क्या सोचेगा, price कम से कम charge करो मेरे को और service better provide करो। ये buyer के पास में leverage normally कब होता है, point number 4 बोलता है buyer का generally bargaining power कब आएगा। Buyer क्या चाहेगा, better service मिलना चाहिए और cost भी कम लगना चाहिए। Obviously जब आपको लगता है buyer जो है बड़े क्वांटिटी वाले बायर है, मतलब दे वांट टू बाय इन बिग क्वांटिटी, वेरी फ्यू बायर्स आर देयर, मतलब हो सकता है उस पूरी इंडस्ट्री के लिए जो बायर्स है, इट्स अ बी2बी बिजनेस, बायर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं एंड दे आर वेरी वेल अवेयर कि भाई हम क्या खरीद रहे हैं, उसका एक्चुअली में कॉस्ट क्या है। इफ दे नो इट रियली वेल, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा सर, व्हेन बायर्स हैव अ फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे ऑल्सो नो योर सब्स्टिट्यूट्स। When they are spending a lot of money on your products, they are big buyers. And sir, हमें normally अगर लगता है that they are more concentrated, buyers are more concentrated than the firm supplying. मतलब number of buyers are less and आप और आपके जो competitors है वो बहुत ज्यादा है, मतलब product को बेचने वाले बहुत सारे हैं पर खरीदने वाले जो लोग हैं वो बहुत limited हैं, तो obviously उनका bargaining power आप लोगों पर क्या होगा, ज्यादा होगा। Simple चीज, buyer has a complete knowledge of what they are buying. Buyer knows the substitute. Buyer is buying in really bulk quantity. Buyer के जो numbers है वो लोग बहुत कम है, सब जो sellers है, आप लोग जो product manufacturers है वो बहुत ज्यादा है, तो उनका bargaining power आप पे definitely क्या होगा, ज्यादा होगा। इस point number 4 clear to you? Spend 2 minutes सिर्फ point number 4 को पढ़ना, बाकी दिमाग मत लगाना।
ठीक है. नाउ कम टू सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. इस बार पॉइंट नंबर थ्री को मार्क करना, सिंपल है. सप्लायर का आपके ऊपर बार्गेनिंग कब ज्यादा होगा? जब सप्लायर को लगता है जो प्रोडक्ट वो आपको सप्लाई कर रहा है वो इतना नीश है कि इतना इजीली कहीं आपको मिलेगा ही नहीं. जो क्वांटिटी वो आपको ऑफर कर रहा है, जो क्वालिटी वो ऑफर कर रहा है, वो शायद आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है. तो कहना इसे उसका बार्गेनिंग पावर आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. प्लस दूसरा चीज, कितने सप्लायर्स ऑप्शन है. अगर पता है आपके कंट्री में टोटल सप्लायर के ऑप्शन ही दो है, उसमें से एक आपका कॉम्पिटिटर का सप्लायर है, एक आपका सप्लायर है, तो दोनों के सप्लायर को मालूम है कि आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो हाउ कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब हाउ फ्यू आर सप्लायर्स इन कंपेरिजन टू द कंपनीज, उसका भी इंपैक्ट आपके सप्लायर के बार्गेनिंग पावर पे आएगा. देखो, आर देयर प्रोडक्ट्स क्रूशियल टू द बायर? क्या कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है सप्लायर के प्रोडक्ट का? सर, क्या कोई स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है कि भाई आपका प्रिंटिंग मशीन एक पेपर के लिए बराबर है, वो पेपर यूज नहीं किया तो प्रिंटिंग मशीन कम में नहीं आएगा, दूसरे पेपर के लिए प्रिंटिंग मशीन बदलना पड़ेगा, तो आपको मालूम है इसको पेपर मेरे से खरीदना पड़ेगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है. तीसरा चीज, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सप्लायर का नंबर कम है एंड आप लोग बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब देर आर लेस सप्लायर्स एंड मोर बायर्स, तो उस केस में आपके सप्लायर का बार्गेनिंग पावर आप पे बढ़ जाएगा. Are you understanding these five forces? पहला वाला था threat of new entrants, दूसरा था rival sellers, तीसरा था buyers bargaining power and चौथा है suppliers bargaining power. The last one is called as substitutes. आइए page number 2.28. Threat of substitutes. इसमें मेरे को probability बहुत कम लगती है, बहुत आसान सा चीज है, दो तीन point पढ़ के close करेंगे. Number one, Substitutes are, mark the word, latent. Latent मतलब hidden. They are your hidden competitors. In many cases, they grow to become a major constituent of the competition. कभी कभी substitute का quantity market से इतना बढ़ते जाएगा कि धीरे धीरे वो substitute ही जो है आपके लिए क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा competitor बन जाएगा. Just imagine नो यार, OTT platform for cinema halls before COVID. There was no competition. OTT platform का growth आया ही नहीं था. They were in a very, can say, introductory phase in our country. But can I say suddenly उसके बाद में जब घर घर लोग घर पे बैठे रहे, बाहर निकल ही नहीं पाए, suddenly people forgot that there are cinema halls also. And now when you go there also, still वो frequency उतना नहीं बढ़ पाया जितना COVID के पहले था. So sometimes slowly slowly substitutes because of a event, maybe because of a change in trend, धीरे धीरे वो आपके लिए एक strong competition ही बन जाएगा पूरा का पूरा, और वो हो सकता है आपको substitute बना दे एक point के बाद में. तो point number 2 बराबर है, in many cases they may grow to become a major constituent of competition. Substitutes जो लोग price advantage offer करते हैं, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, दे कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द कॉम्पिटेटिव कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री. 1 and 2 को मार्क कर लीजिएगा. नंबर 2 में बोलता है ऐसे सब्स्टिट्यूट्स जो शायद कम प्राइस में अवेलेबल हैं, बेटर फीचर्स या बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो लोग आपके पूरे इंडस्ट्री को ड्रास्टिकली बदल देंगे. आज इमेजिन कीजिए ना यार, लिस्टिंग योर बिजनेस ऑन गूगल इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिस्टिंग योर बिजनेस ऑन जस्ट डायल. Because Just Dial was very important 10 years back. Today Google is more important. Are you understanding that? Kabhi kabhi technological changes pure ek industry ko khatam kar sakta hai. Understand this. Don't you think the same risk is there after 5 years? People will not go to Practo. Why would I go to Practo? Practo is for doctors. I'll find everything on Google. I have already started finding out. But Google is still not working on improving everything around it. But slowly, slowly, if the ecosystem of Google improves to such a level that आपको Practo, Zomato या फिर कोई भी एक specific player की जरूरत ना पड़े, ये same चीज़ को Google पे अगर मिलना शुरू हो जाए directly, and they give the power to the business through technology to sell their products easily without charging commission. Are you understanding this? It's possible after 5-10 years on the line. Don't think it's impossible. Just Dial thought it's impossible 10 years back. Are you understanding what I'm trying to say? Or maybe your social media, Instagram is already trying this. Your Insta shop, they have an option of putting your products and you can buy the product directly from Instagram. It's connected to your payment gateways. Yes, it's in a testing phase in India. Not a lot of companies are allowed to use it. But it's already being used in US now. Where they'll allow you to sell a product. It's basically you have a shop option on Instagram page itself directly. So why do I need to go to the website? The Instagram page itself can sell the product.
यू अंडरस्टैंडिंग? अब मेरे पास अगर ज्यादा एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे है, मैं वहीं पे अगर सेल्स कन्वर्जन का ऑप्शन भी डाल दूंगा तो सेल्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म का जरूरत ही नहीं बचेगा. द फ्रंट एंड विल बिकम योर सोशल मीडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे बिजनेसेस आर बीइंग डन. डज नॉट मैटर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज ऑब्वियसली देयर. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. इज वन एंड टू क्लियर टू यू? सिर्फ उसके साथ में अगर थर्ड पॉइंट लिखना हो तो नंबर सिक्स लिखना. टू प्रिडिक्ट प्रॉफिट प्रेशर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, फर्म को ढूंढने चाहिए ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं या सिमिलर फंक्शन है जैसे उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का है. मतलब कभी कभी लोगों को खुद अपने सब्स्टिट्यूट्स नहीं पता होते हैं, इसलिए पहले अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढिए. उनका एग्जाम्पल बहुत बुरा है ऑब्वियसली. एग्जाम्पल पढ़ना चाहोगे उनका? पढ़ो ना एग्जाम्पल. रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉमन स्टॉक, मतलब इक्विटी. एक जमाने में इक्विटी को कॉमन स्टॉक बोलते थे. दैट वर्ल्ड, दैट टाइम इज गॉन नाउ. अब हम कॉमन स्टॉक वर्ड यूज, कॉमन स्टॉक मतलब इट्स बेसिकली कॉमनली अवेलेबल स्टॉक ऑफ अ कंपनी, इट्स इक्विटी. देखो दुनिया इतना बदल गया कि लोग भूल भी गए वर्ड, बट एग्जाम्पल उतना पुराना है. आर दे सब्स्टिट्यूट्स? मे बी. लेट्स नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट. It's subjective. The world is open. People may think differently. Do you understand substitutes? That's it. Five fours khatam ho gaye. Five fours khatam ho gaye. Par aapko exam mein kya pata hona chahiye? Shanti se suniye. Pehla question, jo dhang se bolta hu, recap kijiyega, mark kijiyega. Sabse pehle aaiye, threat of new entrants. Usme mere se kya puch sakta hai? Barriers to entry kya hote hain? Agli baar jab five fours padhne ke liye jaoge, five fours padhna hi mat, seedha idhar aana directly. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सीधा पढ़ना पॉइंट नंबर सिक्स. ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के लिए वन पढ़ोगे, फाइव पढ़ोगे, वो ठीक है. दिमाग किधर लगाओगे? सिक्स पे. बैरियर्स टू एंट्री के एग्जाम्पल क्या क्या है? इज दैट क्लियर टू यू? दूसरा, नेचर ऑफ राइवलरी पे आओगे सीधा. किधर आओगे? नेचर ऑफ राइवलरी. उसके अंदर सीधा पॉइंट नंबर फाइव के ऊपर, कब कब इंटेंसिव होता है राइवलरी एक इंडस्ट्री में एंड इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव बन जाता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशन में ऐसा होगा, पॉइंट नंबर फाइव. सीधा ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. पढ़ोगे क्या पहले चीज? फिर आओगे माइकल पोर्टर के फाइव फोर्स मॉडल में पांच फोर्सेस क्या क्या थे, ए बी सी डी ई. कुछ याद नहीं रहे? कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ राइवल सेलर्स, एसोसिएटेड विथ न्यू एंट्रेंट्स, associated with substitutes, associated with buyers bargaining power and suppliers bargaining power. इतना लिख पाओगे? हाँ या ना? अब नीचे आइए, पॉइंट नंबर फाइव को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन. आई लाइक दिस क्वेश्चन बट आईसीए डजंट लाइक इट, इसलिए मैं पढ़ाते रहता हूं. पर आईसीए मेरे सबसे आज तक इतने टाइम में मैंने एक ही बार क्वेश्चन देखा है, ओनली वंस सिंस 2013 आई एम सीइंग. ओनली ये सिलेबस में 2008 से है जब मैं स्टूडेंट था. फ्यू थिंग्स डोंट चेंज. एंड तब भी आईसीए को ये क्वेश्चन पसंद नहीं था. ये क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको फाइव फोर्सेस समझ में आ गया, अब ये मॉडल को अप्लाई कैसे करना है? देयर आर थ्री स्टेप्स. पहले पांच फोर्सेस क्या है उन्हें ढूंढो, उनके इंडिविजुअल प्रेशर को एनालाइज करो. फॉर एग्जाम्पल राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नेग्लिजिबल है सर, ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन नहीं है सर, न्यू एंट्रेंट आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट का इंपैक्ट बहुत कम है क्योंकि देयर इज अ बैरियर टू एंट्री. इंडिविजुअली पांच फोर्सेस को एनालाइज करो, इंडिविजुअली उनका इफेक्ट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, यह समझो. कम टू स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच फोर्स. मतलब राइवल सेलर्स को ढूंढो, सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढो, न्यू एंट्रेंट आ सकते हैं क्या, उसके बाद इंडिविजुअली सोचो. फिर हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर ईच ऑफ द फाइव फोर्सेस, क्या राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या सब्स्टिट्यूट वीक है, क्या बायर का बार्गेनिंग पावर नॉर्मल सा है, क्या सप्लायर का बार्गेनिंग पावर मॉडरेट है. मतलब हर फैक्टर इंडिविजुअली कितना स्ट्रॉन्गली आपको अफेक्ट करता है. नंबर वन, इंडिविजुअल फोर्सेस को ढूंढो, उनको फिर एनालाइज करो. नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग, नंबर टू इज इवैल्यूएटिंग, मतलब एनालाइजिंग. पहले में आइडेंटिफाई करना है, दूसरे में इवैल्यूएट एंड एनालाइज करना है, इनका इंडिविजुअली इफेक्ट कितना ज्यादा है या कितना कम है. तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली मॉडरेट है, वीक है,
सबके सब कलेक्टिवली क्या अभी भी ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्या कि आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल तरीके से रन कर सकते हो? इफ आई बिलीव द कलेक्टिव इफेक्ट इज स्टिल कंड्यूसिव इनफ, मतलब इट इज इनफ दैट यू कैन स्टिल रन द बिजनेस प्रॉफिटेबली, तो मैं सर बिजनेस कंटिन्यू करेगा. बट कलेक्टिव इफेक्ट बहुत नेगेटिव अगर हो जाएगा कि प्रॉफिटेबल बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इस बिजनेस से क्या करना चाहेगा, एग्जिट करना चाहेगा. नंबर थ्री इज डिटरमाइन द कलेक्टिव स्ट्रेंथ. Determine the collective strength of these five forces. Is that conducive? मतलब fair enough, sufficient enough to earn attractive profits. अगर उन सबका इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता अट्रैक्टिव तरीके से, तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा. अगर कलेक्टिव इफेक्ट मॉडरेट है, आई कैन स्टिल मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. इंडिविजुअल फोर्स को ढूंढो, उसे एनालाइज करो, फिर उनका कलेक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करो. इज दैट गोइंग टू बी फेयर इनफ टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? क्या आपको तीन स्टेप समझ में आए क्या? माइकल पोर्टर का फाइव फोर्स मॉडल, पहले पांच फोर्सेस आने चाहिए, उन्हें अप्लाई करने के लिए तीन स्टेप्स. दीज थ्री स्टेप्स कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी लो है मैं मानता हूं, फिर भी रीड करके जाना. दूसरा, दिमाग किधर लगाना है? न्यू एंट्रेंट्स के अंदर बैरियर्स टू एंट्री के एग्जांपल. सर राइवलरी कब बहुत बुरा होगा एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव बन जाएगी, उसके एग्जाम्पल्स. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जरूर अगर पढ़ना हो तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर का पॉइंट नंबर थ्री, बायर बार्गेनिंग पावर का पॉइंट नंबर फोर. इतना स्पेसिफिक पढ़ के प्रिपरेशन करोगे तो आपको माइकल पोर्टर के फाइव फोर्स मॉडल में कोई दिक्कत नहीं आएगा. समझा क्या? अभी गुड. एक काम करो, अभी फाइव फोर्स मॉडल आपने पढ़ा, हमने चैप्टर थ्री में जो माइकल पोर्टर की स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी उसमें एडवांटेजेस छोड़ दिया था. अब एडवांटेज पढ़ के खत्म कर दें. चलो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर थ्री. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दो ही एरियाज है, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन. ऑथर ने भी उधर ही दिमाग लगाया. 3.22 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. 3.22 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. पहले थोड़ा याद करो शांति से. कॉस्ट लीडरशिप क्या था? हाईली प्राइस सेंसिटिव बायर्स, ब्रॉडर मास मार्केट, दे आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस एट ऑल, उन्हें यूटिलिटी चाहिए कम से कम प्राइस के अंदर. स्ट्रेटेजी कौन सा है? कॉस्ट लीडरशिप. बराबर है. अब बात करेगा कॉस्ट लीडरशिप के एडवांटेजेस क्या है. यह सोचना है कीपिंग इन माइंड फाइव फोर्सेस. यह सोचना है कीपिंग इन माइंड फाइव फोर्सेस. पहले तो हेडिंग चेक करो, पांचों हेडिंग मैच होते हैं क्या? राइवलरी, buyer is buyer's bargaining power, supplier is supplier's bargaining power, threat of new entrant substitutes. बराबर है कि नहीं है? अब तुम सोचना, you are a cost leader. Think you are a cost leader. मैं cost leader हूं, मेरे लिए पांच forces important है competition में. हर एक force के बारे में सोचो, cost leadership मुझे कैसे help करेगा? Cost leadership मुझे कैसे help करेगा? Think about rivalry. सोचो मेरे industry में बहुत सारे rival sellers है, but मैं cost leader है. Don't you think मैं उनको कभी भी beat कर सकता है easily? अरे कॉस्ट लीडर में क्यों है? क्योंकि यहां पे प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, ब्रॉडर बास मार्केट है. बराबर है कि नहीं है? और मैंने क्या अचीव किया? कॉस्ट लीडरशिप अचीव किया. अब इधर कितना भी राइवल सेलर है, क्या मेरे को फर्क पड़ने वाला है? रीड नंबर ए, कॉम्पिटिटर्स आर गोइंग टू अवॉइड अ प्राइस वॉर, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या है? लो कॉस्ट फर्म है. अरे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है. यू आर अ, सोचना, यू आर अ कॉस्ट लीडर. यह सेंटेंस समझने के लिए थॉट प्रोसेस चाहिए. आई एम अ कॉस्ट लीडर. Rival sellers will be scared of me, क्योंकि अगर वो price war शुरू करें खत्म तो मैं करूंगा. कि सबसे ज्यादा manufacturing cost कम किसका है? मेरा है. तो can I say मैं कभी भी price कम करके अपने margin को थोड़े time के लिए कम कर सकता हूं? Yes or no? तो rivals will avoid a price war since the low cost firm will continue to earn profits even after they try to reduce the cost. Price भली कम करेंगे पर मेरा manufacturing cost बहुत कम है. Assume करो situation, सबका manufacturing cost 100 रुपए average, तुम्हारा manufacturing cost 80 है. आज market में selling price 120 पे है, you are making 40 rupees, they are making 20. अब अगर वो price को कम करके 120 से 100 पे भी लाए, they will make 0, you will still make 20. तो can I say rivalry तुम्हें impact ही नहीं करेगा, price war शुरू ही नहीं होगा if you are a cost leader. इस point number एक clear to you.
इस पॉइंट नंबर एक क्लियर टू यू। दूसरा वाला आ जाओ, बायर्स बार्गेनिंग पावर। सुनिए, अब सोचिए आपके बायर्स क्वांटिटी कम रहेगी, बड़े बायर्स रहेंगे, उनका बार्गेनिंग पावर, एंड यू आर अ कॉस्ट लीडर। जस्ट इमेजिन, बायर आपसे बार्गेन करने आ रहा है और आप कौन है? कॉस्ट लीडर। देखिए, पावरफुल बायर और कस्टमर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट हुम सर, कॉस्ट लीडर। क्यों एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे? वो तेरे से बार्गेनिंग करेंगे, पर तेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलरेडी 80 है। अरे वो बार्गेनिंग करके 120 से 110 पे आएगा, तब भी जो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है उससे ज्यादा तो तेरा प्रॉफिटेबिलिटी रहने ही वाला ना यार। प्लस उन्हें पता है तू अगर कॉस्ट लीडर है, मतलब यू आर वर्किंग एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तेरे पास वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा देर से बार्गेनिंग कर भी नहीं पाए। तुम गूगल से बार्गेनिंग करते हो क्या? बताओ एक बात, उसको बोलते क्या, नहीं मैं गूगल ड्राइव के लिए 4,500 नहीं देगा, 4,200 देगा। अरे बार्गेन करने के लिए इंसान तो होना चाहिए पहले उधर, पर मिल भी गया तब भी तू नहीं कर सकता ना, क्योंकि सामने वाला इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम कर रहा है। सो समवन हु इज ऑलरेडी अ कॉस्ट लीडर, उससे आपका बार्गेनिंग ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या सोचना है? आई एम अ कॉस्ट लीडर। नाउ थिंक अबाउट फाइव फोर्सेस। राइवलरी, दे कांट स्टार्ट अ प्राइस वॉर, दे विल बी स्केर्ड। नंबर टू, बायर वो अपना बार्गेनिंग पावर मेरे पे ज्यादा लगा ही नहीं पाएगा। थर्ड, सोचो सप्लायर के बार्गेनिंग पावर के बारे में। सुनिए, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 80 है। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ भी गया, उसने क्या कर दिया? तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दिया, तुम्हारा क्या होगा? कॉस्ट 80 से 85 चले जाएगा। पर एक बात समझो, तुम्हारा कॉस्ट अगर बढ़ा है, कंप्यूटर का भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, पर तुम्हारे पास तो ऑलरेडी मार्जिन सबसे ज्यादा था, तो कल को सप्लायर ने कॉस्ट बढ़ा भी दिया तो भी मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा, तो अभी मैं क्या कर लूंगा? अब्सॉर्ब कर लूंगा। प्लस दूसरा चीज जो यहां लिखा हुआ नहीं है, तू अगर कॉस्ट लीडर है तो तू वॉल्यूम पे काम कर रहा है, सप्लायर भी तेरे से डरेगा क्योंकि सप्लायर के लिए तू बायर है एंड यू आर अ बिग बायर, तो सप्लायर विल नॉट बी एबल टू अप्लाई बार्गेनिंग पावर टू मच ऑन यू। कॉस्ट लीडर्स विल बी एबल टू अब्सॉर्ब ग्रेटर प्राइस अगर प्राइस बढ़ा भी देगा कौन? सप्लायर। और वो चाहेगा तो शायद ये प्राइस कस्टमर के लिए बढ़ाए या ना बढ़ाए, और उसके पास मार्जिन ऑलरेडी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पॉइंट्स इतने आसान नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा। आई एम अ कॉस्ट लीडर एंड देर आर फाइव फोर्सेस। राइवलरी, प्राइस वॉर, दे विल नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट। बायर्स बार्गेनिंग पावर विल नॉट वर्क टू मच बिकॉज आई एम ऑलरेडी द बिगेस्ट सप्लायर, आई एम द बिगेस्ट सेलर इन द इंडस्ट्री। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, अगर कॉस्ट बढ़ भी गया तब भी हम क्या कर लेंगे? अब्सॉर्ब कर लेंगे, हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी क्या है? बहुत ज्यादा है। पहले तीन पॉइंट समझे क्या? एक बात बताओ, अगर आप कॉस्ट लीडर हो, मतलब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हो, कैन यू योरसेल्फ बिकम अ बैरियर टू एंट्री फॉर अ न्यू एंट्रेंट? एंट्रेंट के बाजू में पढ़िए, लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट, मार्क द वर्ड, बैरियर टू एंट्री, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, तो ऐसे कॉस्ट लीडर खुद क्या बन जाते हैं? बैरियर टू एंट्री, बिकॉज दे आर वर्किंग एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे आर वर्किंग एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या थोड़ा सोच पा रहे हो क्या डायरेक्शन में? नंबर फाइव इज सब्स्टिट्यूट्स। अगर सब्स्टिट्यूट इफेक्टिव हो भी जाए तो भी लो कॉस्ट प्रोवाइडर, जो लो कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर को कन्विंस कर लेगा सब्स्टिट्यूट है, मेरा प्रोडक्ट 100 का था, सब्स्टिट्यूट 80 पे है, अब मैं तुझे सेम कोर प्रोडक्ट 80 पे अगर प्रोवाइड कर दूं तो कहना इसे वापस से तुम यू विल कम बैक टू द कोर प्रोडक्ट, कहना इसे मैं सब्स्टिट्यूट के इफेक्ट को भी नेग्लिजिबल कर सकता हूं। लो कॉस्ट लीडर्स आर मोर लाइकली टू लोअर कॉस्ट टू इंड्यूस, मतलब कन्विंस कस्टमर्स टू स्टे विद देयर कोर प्रोडक्ट, एंड धीरे धीरे वो खुद जब उन्हें लगेगा इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट्स को डेवलप कर लेंगे। पहले आपको कन्विंस करेंगे कि आपने सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बाय करना चाहिए, और जब उन्हें लगेगा सब्स्टिट्यूट्स एसेंशियल बन जाएंगे, वो खुद बनाना शुरू कर देंगे। आज ही न्यूज आ गया, मारुति फ्रॉन्क्स खुद का हाइब्रिड गाड़ी बनाएगा, आपको 35 का एवरेज देगा। मारुति ये काम 5 साल पहले भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? जब नॉर्मली इज्जत से स्टैंडर्ड आसानी से गाड़ी बनाओ, बिक्री और पैसा मिल रहा है, तो क्यों माथापोड़ी करूं? जब हाइब्रिड लोग मांगना शुरू कर देंगे, परेशान करना शुरू कर देंगे, तब बनाने के लिए जाऊंगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिजनेस हमेशा ऐसे ही वर्क करता है, जब तक लोग डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, कॉस्ट लीडर कभी डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहेगा। आज का न्यूज है, इन हाउस हाइब्रिड इंजन बिल्ड करेगा विद देयर ओन यू नो बैटरी। उन्होंने क्या किया, अभी टोयोटा और मारुति का कोलैबोरेशन मालूम रहेगा आपको, वो टोयोटा का हाईराइडर आया ना, वही तो अपना मारुति का एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी आई फॉरगॉट द नेम, ग्रैंड विटारा, यस। तो बेसिकली हाइब्रिड वर्जन आया कि नहीं है, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा का है। किसका है? टोयोटा का। और मारुति उसके बदले उसको गाड़ी बना के दे रहा है,
समझा क्या? अब मारुति थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो बोलेगा टोयोटा से रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए बढ़िया है, बट टोयोटा इज अ वर्ल्ड लीडर. विल दे कंटिन्यू विद अस ऑर नॉट, वी नॉट श्योर. बट मारुति इज अ इंडिया लीडर. वो क्या बोलेगा, एक बार हाइब्रिड टेस्ट करके देखा, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खरीदने वाले हैं, हम खुद ही बना लेंगे, कौन सा बड़ा बात है. अल्टीमेटली इंडिया में बेचना क्या, एवरेज बढ़िया होनी चाहिए. यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब मारुति से बेटर कौन जानता है इस चीज को. पर मारुति ये 5 साल पहले भी तो कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च क्यों करूं जब लोग आसानी से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. जब लोग इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तब मैं डिफरेंशिएट करने के पीछे जाऊंगा. सो कैन आई से आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट समटाइम्स व्हेन आई बिलीव अ सब्स्टिट्यूट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, देन आई विल डेवलप माई ओन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. नो, समझा क्या मतलब? ये बेसिकली बताना चाहते हैं कैसे कॉस्ट लीडर इन पांचों फोर्सेस को कंट्रोल कर लेगा, कैसे कॉस्ट लीडर इन पांचों फोर्सेस को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा. एडवांटेजेस ढंग से पढ़ना, यू आर अ कॉस्ट लीडर, फिर पांच फोर्सेस से कंपीट करके बताना आप अच्छे क्यों हैं. समझा क्या? लास्ट में आ जाओ, आखिरी वाला डिफरेंशिएशन, उसमें भी एडवांटेजेस रहेंगे सेम. आ जाइए पेज नंबर 3.25. ये समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, अब समझ सकते हो आप. रीसेंट 2 दिन में पढ़ाया दोनों चीजें. एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन. हेडिंग तो मैच मैच होते कि नहीं होते. देखो कितना होशियार बच्चा कर रहा है, तो 5 हेडिंग तो लिख के आ जाएगा. इसमें आगे का सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, सामने किताब है तो समझना मुश्किल है. आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स डेंजरस. हेडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट. वो तो ट्रिक बोलता ना तुमको, 5 फोर्सेस याद रखो, 5 हेडिंग मैच हो जाएगी तुम्हारी. एग्जामिनर को पता नहीं चला तो ठीक है, वो हेडिंग के लिए मार्क्स दे देगा. मेरे हिसाब से इसमें हेडिंग के मार्क्स एग्जामिनर नहीं देने चाहिए. What you write against the heading is very important. चलो, you are doing a differentiation. आप कोई एक modified product बना करके बेच रहे हो and you are charging a premium price. Think about rivalry. Sir, if you are a differentiator, you believe you are selling a new category of product, charging a premium price, you would want to create your own brand loyalty. You would want your customers to talk about the features, what you are providing, which no one else is providing. So can I say, rivalry se aapko koi farak hi nahi padega, because aapko lagega, mera alag hi game chal raha hai. I believe I am trying to sell something else, which no one else is selling. So I am going to charge whatever price I want to charge, because I am not in the game of normal competition. Rivalry, brand loyalty will act as a safeguard against the competitor. It means customers will be less sensitive to the price as long as the firm can satisfy the need of its customer. Matlab, wo modified features deke, agar customer ko attract kar sakte hain, to customer ko premium price se farak nahi padega. एकदम बराबर है. अगर आप डिफरेंशिएट बहुत बढ़िया से करते हैं तो शायद कस्टमर प्रीमियम प्राइस पे करेगा. क्लासिक एग्जांपल महिंद्रा XUV 700. Mahindra would have never ever imagined 15 years back that they will sell a luxury SUV 25 lakh rupees onwards in India 3 years back. And they were ahead of its time. Before any other SUV manufacturer in India, I'm sorry, including Fortuner, whatever they thought about the product, Mahindra thought about all this and then they said, if I make a luxury SUV in India, mere ko premium price milega, may not be जो कोडियक का प्राइस है, 50 लाख में चार्ज नहीं कर पाएगा, 45 लाख चार्ज नहीं कर पाएगा, बट मैं 15 लाख में बेचूंगा वो जरूरत नहीं पड़ेगी. आई विल बी एबल टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस. एंड देयर वाज अ वेटिंग लिस्ट ऑफ मोर देन 1.5 ईयर. द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द ओवरऑल फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स वॉज सो ग्रेट, द डिमांड रिस्पॉन्स वॉज इनसेन. इसीलिए महिंद्रा को फायदा मिला एंड देवर द फर्स्ट वन. इट्स ऑल्सो समटाइम्स इंपॉर्टेंट कि आप कभी कभी मार्केट को रीड करके थोड़ा फोरकास्ट करने का ट्राई करते हो, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे परफेक्टली रेडी था फॉर अ प्रीमियम सेगमेंट कार और महिंद्रा एट द राइट टाइम केम अप विद द राइट कार. सो उनको अच्छा खासा मार्केट शेयर उस टाइम पे कैप्चर होके मिल गया. तो इनका बिजनेस के अंदर ना हर 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंड में चेंज आते रहता है, उसे परफेक्टली प्रिडिक्ट करके, एंड दे अप्लाइड अ क्लियर डिफरेंशिएशन. दे बिलीव्ड वी नीड टू चेंज द वे वी सेल अ प्रोडक्ट. सेकंड वन, बायर्स बार्गेनिंग पावर. सर यहां पर बायर्स प्राइस में नेगोशिएट करेंगे ही नहीं, बिकॉज दे क्लियरली वॉन्ट मार्क द वर्ड स्पेशल फीचर्स. सो वो फीचर्स के लिए बात करेंगे, दे नॉट केयर अबाउट द प्राइसिंग, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है. प्रीमियम प्राइस चार्ज करने वाले हो तो बायर का बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगा.
नेक्स्ट सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, आप ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो, सप्लायर ने प्राइस बढ़ा भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा बट आप वैसे भी बहुत प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो, उसका कॉस्ट इजीली क्या कर पाओगे, अब्सॉर्ब कर पाओगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन विल चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, दे कैन अब्सॉर्ब द हायर कॉस्ट ऑफ सप्लाइज, एंड शायद कस्टमर भी प्रीमियम प्राइस पे करने को अग्री हो जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी आपके डिफरेंशिएटेड फीचर से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है। इज एबीसी क्लियर टू यू? नेक्स्ट आपने पढ़ा था अगर डिफरेंशिएशन बहुत इजीली होगा तो याद है क्या, इट विल बिकम अ बैरियर टू एंट्री, सेम चीज एंट्रेंस के लिए, इनोवेटिव फीचर्स आर एन एक्सपेंसिव डिसीजन, इसीलिए इट विल बिकम अ बैरियर टू एंट्री। एंड द लास्ट वन सब्स्टिट्यूट्स, सर वो सब्स्टिट्यूट क्यों है, क्योंकि कोर प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस इजिली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर रहे हो, इनोवेटिव फीचर्स यूज कर रहे हो, जिस वजह से सब्स्टिट्यूट आपको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब वो बता रहा है क्यों डिफरेंशिएशन पांचों के पांचों चीजों को आसानी से टैकल कर पाएगा, वहां वो बता रहा था कैसे कॉस्ट लीडरशिप पांचों चीजों को टैकल कर पाएगा, हेडिंग सेम है, लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव समझ के लिखना पड़ेगा। इधर देखो एक चीज ध्यान रखना, एडवांटेजेस है मतलब डिफरेंशिएशन पांचों को डिफेंड कर पाएगा, मतलब कॉस्ट लीडरशिप पांचों को डिफेंड कर पाएगा, तो लिखते वक्त लैंग्वेज ध्यान रखना, हाउ कॉस्ट लीडरशिप विल हेल्प यू टू डील विद राइवलरी, हाउ इट विल हेल्प यू टू डील विद योर यू नो राइवल सेलर्स, योर न्यू एंट्रेंट्स, योर सब्स्टिट्यूट्स, बायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर। लॉजिकल लगता है। अच्छा फोकस में ऐसा कुछ है ही नहीं, आई थिंक ऑथर कुछ भूल गया था, उसने एडवांटेजेस टाइम पास लिख के दिए हैं। देखो पांच हेडिंग नहीं है इसलिए आप इग्नोर कर सकते हो, पांच हेडिंग नहीं है मतलब ऐसे पूछेगा भी नहीं। देखो ये तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ चुकी होगी। इज दिस क्लियर टू यू? वी डन विद माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल, उससे रिलेटेड दो एडवांटेजेस थे, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो, वी डन विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, online students. Tomorrow's schedule I'll put on Telegram, like every morning. ठीक है, कल mostly audit वाला part capture करेंगे, कैसे करेंगे मैं message करता हूँ। ठीक है online students, bye bye. Now FM will start.